अगर आप ही मेरी तरह खाने के शौकीन हैं, तो मुझे यकीन है ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। इस बार आपको हम हिमाचल नहीं बल्कि पंजाब लेकर जा रहे हैं। तो चलिए पंजाब के लुधियाना, जहां पिज्जा कुलचा मात्र 30 रुपए में मिलता है, वो कैसे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लुधियाना शहर खाने पीने के शौकीनों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर इलाके में कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर है जहाँ के स्वाद के चक्कर में लोग खींचे चले आते हैं। श्री दुर्गा माता मंदिर के नजदीक रखबाग के बाहर पिज्जा कुलचा बनाने वाले दिल्ली के चने कुलचे को भी मात देते हैं। परिवार की दूसरी पीढ़ी लोगों को खिला रही कुलचे। 45 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की बरेली से आए अमर सिंह ने खुले मैदान में नॉर्मल कुलचे का काम छोटे से स्तर से शुरू किया। अब परिवार की दूसरी पीढ़ी खाने पीने के शौकीनों को कुलचे खिला रही है। अमर सिंह 1 रुपए में लोगों को भरवा कुलचा खिलाते थे। अब बेटा तेजपाल पिज्जा कुलचा बनाकर शहर भर में चर्चित गुरु नानक स्टेडियम के सामने बेचते हैं। तेजपाल घर से ही चने उबालकर लेकर आते हैं और मौके पर ग्राहक के सामने मक्खन में जीरे का तड़का लगाकर इसको तैयार करते हैं। बकायदा सब्जियों की टॉपिंग भी करते हैं। पनीर लगा रहा कुलचे के स्वाद को 4 चांद। पिज्जा में वे खुद के द्वारा तैयार किए गए मसाले चने में डालकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। साथ ही पनीर इस कुलचे के स्वाद को 4 चांद लगा देता है। तेजपाल बताते हैं कि उन्होंने खाने पीने के नए नए कॉन्सेप्ट आने के बाद लोगों के सुझाव पर पिज्जा कुलचा बनाया था। लोगों को एक नई डिश परोसनी शुरू की थी। आज उनका पिज्जा कुलचा ही प्रख्यात हो गया है। अब यहाँ पर नॉर्मल कुलचा 15 रुपए और पिज्जा कुलचा 30 रुपए में मिल रहा है। परिवार के साथ भी पहुँचते हैं कई लोग। तेजपाल बताते हैं कि उनके पास कई ऐसे पक्के ग्राहक भी आते हैं जो छुट्टी वाले दिन परिवार के साथ कुलचा खाने के लिए आते हैं। शहर के हर कोने से लोग उनके पास आ रहे हैं।